हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लिए लाए हैं एक कैमरा का जो पिक्सल होते हैं, उस पिक्सल के जरिए हम लोग आसानी से एक डिस्प्ले पे ट्रांसफर कर सकते हैं। वो भी पिक्सल भी हम लोग घर पे बना सकते हैं। कैमरा का जो जो कि डिस्प्ले है वो भी हम लोग घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो है ये एक ही कलर का होता है, कलरिंग नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है पिक्सल और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले, ठीक है। तो जब भी इस पिक्सल पे हम लोग कोई चीज लाएंगे तो जहां पे डार्क होगा वहीं पे भी एलईडी ग्लो करेगा। जैसे कि मैं अभी इस पेपर के जरिए मैं इसको डार्क कर रहा हूं तो सभी एलईडी ग्लो हो जाएगा, सभी पे डार्क करूंगा तो देखिएगा एक एक करके ग्लो होगा। देखा आपने, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आसानी से एक डिस्प्ले बना सकते हैं, वो भी पिक्सल के साथ। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलईडी को मैंने इस तरह लगाया है जो कि नेगेटिव को एक तरफ और पॉजिटिव को एक तरफ, ठीक है। और सभी एलईडी पे हमने ट्रांजिस्टर के माध्यम से कनेक्शन किया है ताकि वोल्टेज बढ़ा के इस पर दे सके। और ये तो हो गया डिस्प्ले। और ये जो आप पिक्सल देख रहे हैं ये पिक्सल एक्चुअली में काम कर रहे हैं। देखिए पिक्सल के बदले मैंने एलडीआर लगाया है, ठीक है। तो एलडीआर को मैंने रेजिस्टेंस के जरिए मैंने इसको कनेक्शन किया है। तो जब भी किसी एलडीआर पे डार्क हो जाएगा तो वहाँ का एलईडी ही ग्लो करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक ही एलईडी लगाया है एक एलडीआर के साथ। तो एलडीआर जब भी डार्क होगा तो ये ग्लो कर रहा है, तो जब भी खुलेंगे तो ये बंद हो रहा है, तो फिर से डार्क हो रहा है तो ये ग्लो कर रहा है, खुलने से ये बंद हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग पिक्सल हम लोग कर सकते हैं। और इसके सामने अगर जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास ला के इसके थोड़ा मॉडिफाई करके अगर बनाएंगे तो कैमरा के तरह ये काम करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एक कलर कैमरा होगा, ठीक है। ये कलरिंग कैमरा नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट आप कर सकते हैं इसको। तो ये जो कनेक्शन है इसको हमने किस प्रकार से किया है इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं ये प्रोजेक्ट किस प्रकार से हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। देखा आपने किस प्रकार से एक डिस्प्ले को मैंने बनाया है। तो इसका जो एलईडी है सभी एलईडी को हम लोग वर्टिकल और पैरेलल में कनेक्शन किया है। वर्टिकल हमने पॉजिटिव को, सारी पॉजिटिव को एक साथ किया है और पैरेलल में सभी नेगेटिव को एक साथ किया है। और वही कनेक्शन को हम लोग ट्रांजिस्टर के जरिए इसका वोल्टेज बढ़ा के हमने इस पर प्रोवाइड किया है। तो अभी हम लोग पिक्सल बनाएंगे जो कि एलडीआर है। एलडीआर के जरिए हम लोग पिक्सल को बनाएंगे। पिक्सल बनाने के बाद हम लोग वही पिक्सल को रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्शन करके डिस्प्ले पे कनेक्शन करेंगे। तो अभी चलिए पिक्सल को पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे।
अभी देखिए, मैंने पिक्सेल को कनेक्शन किया है इसके अंदर, और यहाँ पे है डिस्प्ले, और डिस्प्ले को हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग देंगे। तो एलईडी के मतलब एलईडी जितना होगा उतने हिसाब से हम लोगों को वोल्टेज देना पड़ेगा। तो मैंने इस पर 9 या 10 वोल्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, करने के बाद ये काम करेगा। तो अभी चलिए ये काम करता है या नहीं करता है वो टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। देखा आपने किस प्रकार से आसानी से डिस्प्ले बना सकते हैं, वो भी कैमरा का पिक्सल हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। लेकिन ये वो अलग से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, लेकिन जो कि इसका सिस्टम है उसको समझने में हम लोगों को मदद मिलेगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।